बहुत सारे लोगों को ये चीज कहते हुए सुना होगा कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। आखिर स्मार्ट वर्क होता क्या है? हाउ टू डू दैट एक्चुअली, राइट? बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि स्मार्ट वर्क है क्या, जिसको देखो रट लगाया रहता है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, लेकिन एक्चुअली में करते कैसे हैं स्मार्ट वर्क। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी 6 वेज जिसमें कि यू कैन वर्क स्मार्टली रादर देन हार्डली, और जो एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ 6 वेज विच आई फॉलो फॉर स्टार्टिंग स्मार्टली नॉट हार्डली। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांभवी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डिस्कस करने वाले मैं 6 डिफरेंट वेज आपके साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर वेरी क्विकली। द वेरी फर्स्ट थिंग इज गिव योरसेल्फ टाइमलाइन। अरे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बाउंडेशन में वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। बाउंडेशन इसका मतलब कि चार दीवार के अंदर बाउंडेशन नहीं हो जाता है। बाउंडेशन मींस कि अगर उनके पास कोई टाइमलाइन या किसी चीज़ की डेडलाइन फिक्स होती है ना, तो उनको उस चीज़ में काम करने बहुत वो उस पर्टिकुलर काम को बहुत जल्दी करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। शायद आप भी वैसे हो कि अगर आपके पास एक डेडलाइन सेट है तो आप उस काम को उतनी जल्दी और उतनी ही डेडलाइन में फिनिश करना पसंद करते हो। सो आपको अपने लिए टाइमलाइंस, अपने डेडलाइन सेट करने चाहिए। लेट्स से कि व्हाट इज दैट कि आपको नेक्स्ट 10 डेज में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, राइट? बट यू शुड थिंक कि ओके, मुझे नेक्स्ट 10 डेज में नहीं, मुझे नेक्स्ट 2 डेज में ही अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। एंड उसके हेल्प से यू कैन सेट इन योर टाइमलाइंस, यू कैन सेट इन योर डेडलाइंस, और अपने काम को बहुत ईजली और बहुत स्मूथली फिनिश आप कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट वे कि आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हो, दैट इज सेटिंग अप योर टाइमलाइंस। मूविंग टुवर्ड्स नंबर 2, नंबर 2 इज रिव्यू योर नोट्स ऑफ्टनली। ओके, आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर आप अपना जैसे कि आप स्कूल में थे शब मे बी योर 9th, 10th, 11th, 12th, बहुत सारी नोटबुक्स होती थी हमारे पास। इन दैट नोटबुक्स हम लोग पेन लेकर के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते थे। शायद बहुत सारे लोग डिफरेंट कलर के पेन से ही बनाते थे। इवन आई वॉज वन ऑफ दैट पर्सन, पूरे नोट्स बनाना मतलब प्रॉपरली उनको लिखना बहुत पसंद था। डिफरेंट कलर्स एंड हाइलाइटर्स, स्केचेस, इन लाइक सबकी हेल्प से वी ट्राई टू मेक इन द नोट्स, राइट? बट उस नोट्स को हम लोग बनाने के बाद पढ़ते कितनी बार थे, दैट्स अ क्वेश्चन विच कम्स इन, राइट? सो आप जो अपने नोट्स बना रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कोई फर्दर अदर डिग्री कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, सो यू शुड मेक इन योर नोट्स। और केवल बना कर रख देना इज नॉट द लाइक थिंग विच यू हैव टू डू, यू हैव टू रिव्यू देम, आपको उसको रिवाइज करते रहना है। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शांभवी हाउ वी कैन स्टडी डेटा साइंस, मतलब डेटा साइंस इतना टिपिकल टॉपिक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और मॉड्यूल्स होते हैं, उनको कैसे याद रखें। सो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जैसे अपने नोट्स आपने जो भी प्रिपेयर करे हैं, सो 1 वीक में उसको वंस या ट्वाइस आप रिवाइज करो, ताकि आप जो नई चीज़ सीख रहे हो उसके साथ साथ आप पुरानी चीज़ें भूलो मत। सो दैट इज माई सेकेंड वे हाउ आई वर्क स्मार्टली रादर दैन डूइंग माई हार्ड वर्क, अपने नोट्स को प्रॉपरली। और आज भी मैं अपने नोट्स को रिव्यू करती रहती हूँ वंस और ट्वाइस इन अ वीक, सो दैट कि मैं अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा शार्पन करती हूँ, और मुझे जो पीछे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं मुझे सब रिमाइंड होती चली जाती हैं। सो हियर गोज नाउ माय पॉइंट नंबर 3 टू यू, ऑर्गेनाइज विजुअल नोट्स। अच्छा, हम लोग अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, राइट? दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है हम लोगों का, कहीं कुछ सोचना, कहीं कुछ सोचना, अलग अलग चीज़ें वी ट्राई टू थिंक इन, राइट? बट हम लोग ये चीज़ भी एक्चुअली सोच सकते हैं कि मुझे कल क्या काम करनी है, राइट? कल के मेरे क्या क्या काम लाइंड अप हैं, मुझे कल किस टाइम पे क्या चीज़ फिनिश अप करनी है, मेरे क्या क्या टास्क हैं, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कल जो मुझे फुलफिल करनी है। इन सब का आप अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट टाइप का प्रिपेयर अप कर सकते हो, दैट ओके आई हैव दीज थिंग्स टू फिनिश अप, और इस तरीके से आई ट्राई टू फिनिश इट अप। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बैठ के सपने विजुअलाइज ही कर रहे हो कि मुझे कल ये काम करना है, और कल पूरा निकल के आपका सोचते ही सोचते। तो नॉट टू डू दैट, आप अपना 1 आवर या 1 आवर तो बहुत ज़्यादा आपने लगा दिया अगर आप इसको विजुअल सोच रहे हो, तो गिव इट 10 to 15 minutes, उसमें आप जितना सोच पाओ थिंक इट ओवर, फ्लो चार्ट अपना एक प्रिपेयर कर लो कि ओके नेक्स्ट मुझे इतने इतने टाइम पे ये करना है, जहाँ तक सोच पाओ स्टॉप आफ्टर 15 मिनट्स।
उस काम को करना चालू कर दो, राइट? एंड वंस फिनिश्ड, आप फिर अपना दिमाग में अपना एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर अप कर सकते हो दैट ओके ये काम फिनिश अप हो गए, नाउ हैव टू मूव टू दीज वर्क्स. सो फिर आप उनके लिए अपने माइंड में फ्लो चार्ट बनाओ. इस तरीके से यू कैन वर्क स्मार्टली रादर दैन वर्किंग हार्ड. आप एक पेपर लोगे, आप एक पेन लोगे, आप उस पर बहुत लंबा सा फ्लो चार्ट बनाओगे, दैट्स नॉट गोना वर्क. अगर आप उसको दिमाग में अपने सोचोगे दैट आई विल डू ऑल ऑफ दीस पर्टिकुलर थिंग्स, सो इट विल वर्क रादर दैन मोर स्मार्टली टू यू, राइट? ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 दैट आई इवन फॉलो. लाइक जब भी मैं प्रीवियस डे से कि आज मैंने जो भी काम करे, तो मैं कल रात में जब सो रही थी तो आई जस्ट ट्राई टू थिंक इट ओवर व्हेन आई वाज गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मुझे कल यही काम करने हैं. सो आई जस्ट लाइक गिव इट अ लिटिल प्लान कि मुझे ऐसे ऐसे प्लान करके सारी चीजें करनी है, दैट्स द मेथड. पॉइंट नंबर 4 गोज इन कि एम हायर दैन द गोल. ये मैंने एक ऐसी चीज कही है जो आपने शायद अपनी लाइफ में पहले बहुत बार सोची होगी और इवन सुनी भी होगी, एम हायर दैन द गोल. जो भी आपका गोल है हमेशा उससे ऊंची सोचे, क्योंकि हम लोगों को जनरली ये कहा जाता है कि जितनी आप बड़ी सोच रखोगे उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल पर्सन बनते जाओगे, जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे, जितने बड़े आपके सपने होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप मेहनत करोगे उनको पूरा करने में. जितने छोटे सपने उतने कम मेहनत और जितने बड़े सपने उतनी ज़्यादा मेहनत. सो दैट इज़ वाई हम लोग को हमेशा कहा जाता है ड्रीम बिग एम बिग. अपना आपका जो भी सक्सेस है आप उसको बहुत ही ऊँचे लेवल पे सोचिए कि दैट यू आर गोना बी अ दैट मच सक्सेसफुल पर्सन, राइट? और आप उसको अचीव करने के लिए यू विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू पुट इन अप ऑल ऑफ योर एफर्ट एंड वन डे यू विल बी एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन. सो दैट इज द 4th नंबर कि आपको बहुत ज़्यादा अपने छोटे गोल्स नहीं रखने हैं, ट्राई टू कीपिंग योर गोल्स वेरी 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 हाई, राइट? पॉइंट नंबर 5 गोज इन स्टार्ट मेकिंग योर टू डू लिस्ट, राइट? अब बहुत सारे लोग कहते हैं टू डू लिस्ट बनाने को, सो एक्चुअली दैट वर्क्स. सही में वो चीज़ पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि टू डू लिस्ट में आप लिख सकते हो कि कल मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि अगर आपके पास कल बहुत सारे काम हैं, आपको ये भी पढ़ना है, आपको वो भी पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, और मान लीजिए उसी के बीच में आपको कोई इंपॉर्टेंट ईमेल भेजना है, अगर आपने उसको टू डू लिस्ट पर मेंशन नहीं किया है यू विल फॉरगेट दैट, राइट? सो आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें ट्राई टू मेंशन है ओके मुझे ये सब चीज़ें कल करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी वर्क है उसको स्टार्ट करिए. दैट विल रियली हेल्प यू, और वो आपका टाइम भी सेव करेगा ये सोचने में कि मेरा कोई काम रह गया था, क्या रह गया है मुझे याद नहीं आ रहा, राइट? दैट जनरली हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. So, उसको एक टू डू लिस्ट में नोट डाउन करना स्टार्ट करिए. पॉइंट नंबर 6, माय लास्ट पॉइंट फॉर दैट आई इवन फॉलो फॉर वर्किंग स्मार्टली रादर दैन हार्डली, दैट इज लर्न इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग. चीजों को समझो चीजों को रटने के बजाय, राइट? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, यहाँ पे शायद से अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जे वगैरह प्रिपरेशन करी होगी या उनका इंजीनियरिंग ड्रीम होगा. सो अगर आप इंजीनियरिंग ड्रीम रखते हो, सो आपने 9th 10th में वी हैव केमिस्ट्री, राइट? और केमिस्ट्री के बेसिक्स वी हैव द मूल कॉन्सेप्ट. शायद से उसने आपको बहुत परेशान किया होगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया मूल कॉन्सेप्ट ने, एंड इवन टिल टुडेज डेट मुझे मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता है. एंड द रीज़न उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज आई वॉजेंट दैट मच, मैं चीज़ों को उस टाइम समझ नहीं रही थी व्हेन आई वाज लर्निंग अ मोर कॉन्सेप्ट, रादर दैन मैं उनको याद कर रही थी. सो जब आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो और आप उसको केवल रट्टा लगाने में लग जाते हो या उसको केवल याद करने में लग जाते हो, दैट थिंग स्लिप्स योर माइंड. ऑब्वियसली वो आपके माइंड से स्लिप करेगी ही वो चीज़. सो जैसे अगर आपने 9th में अगर मोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सो 11th में आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उसके क्वेश्चंस करने में. लेकिन अगर 9th में आपने उसको समझने के सिवा आपने उसको अगर याद किया होगा, सो ऑब्वियसली 11th में आके आप उसको भूल गए होगे और वापस वो आपको चीज़ याद नहीं आ रही होगी, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए. दैट हैपन्स अगर आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो, रादर आप उसको याद कर लेते हो, सो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रखना. शायद उस टाइम पे
आप रट्टा मार करके पूरा आंसर बता लो, शायद उस टाइम पे आप रट्टा मार करके स्पीच दे लो, बट वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है आपके लिए फर्दर, बिकॉज आप जो भी चीजें याद करते हो सम ऑफ द इधर टाइम दैट स्लिप्स आउट ऑफ योर माइंड। तो चीजों को याद करने के बजाय उनको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, और उस लॉजिक से यू विल सी कि और बहुत सारी नई नई चीजें विल कम अप टू यू ऑटोमेटिकली, राइट। सो ये 6 डिफरेंट वेज है दैट आई फॉलो फॉर वर्किंग और फॉर स्टडीइंग स्मार्टली नॉट हार्डली, राइट। एंड होपफुली आप इन टिप्स को आप फॉलो आउट करोगे जो मैंने किए हैं, एंड लेट मी नो आफ्टर 1 month इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।